आज हम देखेंगे कि अपने पुदीने को कीड़ों से कैसे बचाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पत्तों को कीड़ा खा चुका है, ये काले कलर का कीड़ा है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से। तो इसे लेकिन हमें हर्बल तरीके से इन कीड़ों को हटाना है, इसमें हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये खाने की चीज़ है। लेकिन हमें अपने पुदीने को, अपने मिंट को बचाना भी है क्योंकि ये मुझे रोज़ अपने किचन में यूज़ होने वाली चीज़ है, मैं इसे रोज़ यूज़ करती हूँ कुछ पत्तों का, तो इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। इसके फ़ायदों से कौन अनजान है, इसके फ़ायदे तो हम सब जानते हैं। और अगर अपने घर में है तो क्यों ना हम थोड़ी सी केयर के साथ इसे और अच्छे से ग्रो करें। लेकिन ये कॉमन है कि इनमें कीड़े आ जाते हैं, तो उन कीड़ों को कैसे हटाया जाए वो भी ऑर्गेनिक वे में, हर्बल तरीके से, ताकि हमें कोई नुकसान भी ना हो, उसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह के कीड़े होते हैं जो बहुत ही बारीक हैं, लेकिन ये हमें दूर से नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए हमें हर दूसरे या तीसरे दिन अपने पुदीना लीव्स को चेक करना है ताकि हम इनको जल्दी से जल्दी शुरुआत में ही हटा सकें। अदरवाइज़ ये पूरे के पूरे पुदीने को खा जाते हैं, पत्तों को खा जाते हैं और भी प्लांट्स को ये नष्ट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों अच्छी तरह से कि किस तरह के कीड़े हैं, बहुत ही बारीक हैं और हमें इसको चेक करते रहना है। अब देखते हैं हम इसमें क्या छिड़काया जाए ताकि ये कीड़े इसे ख़राब ना कर सकें। तो देखिए अब हमें इन कीड़ों पर क्या स्प्रे करना है, क्या ऐसी चीज़ स्प्रे की जाए जो केमिकल वाला इंसेक्टिसाइड भी ना हो, हमारी सेहत को नुकसान भी ना पहुंचाए और अपना पौधा भी बच जाए। तो ये मिंट के लिए देखिए, खाने की जो चीज़ें हैं उसके लिए हम इस राख का इस्तेमाल करेंगे। ये जो चूल्हे की राख है, चूल्हा जब जलाते हैं फिर लकड़ियाँ जलती हैं तो बाद में ये राख हमें मिल जाती है, तो ये सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं कीटनाशक है, ये सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड है हमारी वेजिटेबल्स के लिए। तो आप देखेंगे कि अब ये जो कीड़े हैं इन पे मुझे ये जो राख है इसे हर दिन छिड़काना है जब तक मैं देख ना लूँ कि सारे के सारे कीड़े जा चुके हैं, और तब उसके बाद भी हमें दो तीन दिन इसे छिड़काना है ताकि वो कीड़ा वापस से इसे ना लगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे कैसे स्प्रे करना है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हाथ की मदद से बस ये जो पत्ते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने कीड़े दिखाए थे आपको, जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ कीड़े हैं, उन पत्तों पर इस तरह से हम ये स्प्रेड कर देंगे। लेकिन हाँ, इसमें आपको थोड़ा धीरज रखना है, ये जो बाज़ार से इंसेक्टिसाइड मिलते हैं उसकी तरह इमीडिएटली काम नहीं करेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो हमें इसको एटलीस्ट कम से कम 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक आपको पत्तों पर इस तरह से रोज स्प्रे करना है। इसको इस तरह से हम सारे ही पत्तों को इस तरह से इससे ढक देंगे, और ये एक तरह की खाद भी है इसीलिए इसका हमें कोई नुकसान नहीं है। और 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जब आप देखेंगे कि ये फिर से बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है, इसके फ्रेश लीव्स आपको फिर से मिल रहे हैं, तो हम इनको अच्छे से धोकर फिर इसका किचन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पौधे को एक शील्ड बना दिया है, जो हम प्रोटेक्टिव शील्ड बोलते हैं, उनको मैंने ये शील्ड से ढक दिया है, और आप देखेंगे कि 2-3 दिनों में ही ये मेरा जो पौधा है वो फिर से अच्छे से ग्रो करने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट को, मेरा जो पौधा है पुदीना का, जो मिंट है उसके सारे लीव्स को, पुदीना लीव्स को मैंने इस पर राख स्प्रे कर दी है। इस तरह से आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैं इसे ही हमेशा यूज़ करती हूँ। और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।